दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कल के मिस्टर मार्टी एंड क्रिस के लाइव शो में मिस्टर एस के द्वारा मिले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर तो हम चर्चा करेंगे ही विशेष रूप से, साथ ही साथ जो न्यू पॉपअप शो हो रहा है हमारे ओएस में हम उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड इसी के साथ हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जानने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, ओएस में जो न्यू पॉपअप शो हो रहा है वो दरअसल अफ्रीकी वेबिनार के रिगार्डिंग है, और वह वेबिनार 25 अप्रैल को होना है, यानी कि परसों थर्सडे को। इंडियन टाइम के अनुसार यह वेबिनार रात 11:30 बजे से होना है, और इस हफ्ते का OP360 वेबिनार शायद नहीं होना है, क्योंकि मैनेजमेंट का पूरा फोकस 25 अप्रैल को होने वाले गो अफ्रीका वेबिनार पर ही है। अब इस वेबिनार में क्या कुछ होना है, क्या कुछ अपडेट्स मिलने हैं, ये तो 25 अप्रैल की रात को ही पता चल पाएगा। अब आइए हम कल मिस्टर एस के द्वारा मिले कुछ अपडेट्स की बातें कर लेते हैं, इसके बाद ही हम बाकी टॉपिक पे बातें करेंगे। दरअसल इधर बीच में कुछ दिनों से मिस्टर एस किसी वेबिनार में नजर नहीं आ रहे थे, बट कल अचानक से वे मिस्टर मार्टी एंड क्रिस के लाइव शो में नजर आए और बहुत सारे अपडेट्स भी दिए। मिस्टर एस ने अपनी शुरुआत ओ कनेक्ट से ही किए, और इसमें एड ऑन हो रहे तमाम फीचर्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि ओ कनेक्ट मूल रूप से मुफ्त में दिया जाने वाला उपहार है, और यह हर दिन बेहतर होता जा रहा है। फाउंडिंग मेंबर्स के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ओ कनेक्ट में पैसे लगाए हैं, उससे कहीं अधिक पैसा कमाया है उन्होंने कमीशन के माध्यम से। हमें बहुत गर्व है कि हम इसे इस तरह से कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि यहां जीतने वाले सिर्फ कुछ ही हों, यह एक बेहतर मार्ग है। मिस्टर एस ने कहे हैं कि सफलता के लिए असफल होना भी जरूरी है। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, जब तक आप अपने सपनों को नहीं पा लेते, तब तक लगातार असफलताओं का सामना करते रहना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, हमने हार नहीं मानी, और हम अगले 10 दिनों के अंदर एंड मई महीने के मध्य तक एक बहुत बड़ी सफलता शेयर करने जा रहे हैं। हमने अच्छी चीजों को पब्लिक से दूर रखा, और हमने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। हमने कई सारी बाधाओं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त किए, और यही बीज है सफलता के। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो और अधिक प्रतिभा और कौशल विकसित करना जारी रखें, और ऑन पैसिव अपने इरादे को शुद्ध बनाए रखें, और परिणाम ये होगा कि हम कई सारे जिंदगियों को बदल देंगे। फिर सीईओ ने कहा है कि अगर हमने MLM इंडस्ट्री की विफलताओं को नहीं देखा होता तो हमें शायद कभी भी ऑन पैसिव के निर्माण करने का विचार मन में नहीं आया होता, एंड हमें ऑन पैसिव की आवश्यकता का एहसास कभी नहीं होता। दरअसल MLM एक टूटी फूटी कार्य प्रणाली है। कागज पर तो ये सब चीजें अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक प्रयास का एहसास नहीं था। अवास्तविक अपेक्षाएं कई सारे विफलताओं का कारण बनती है। मेरे मन में MLM को लेकर कोई भी गलत भावना नहीं है, लेकिन यह एक टूटी फूटी प्रणाली है। अवास्तविक अपेक्षाओं पर अक्सर विचार नहीं किया जाता, और इसीलिए अधिकांश लोग अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं करते हैं या नॉलेज प्राप्त नहीं करते हैं। सफल होने के लिए आपको खुद में निवेश करना होगा, आपको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, एंड सर्वोत्तम बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कठिन वक्त से गुजरने के बाद जब जीत हासिल होती है, वह कामयाबी बड़ी स्वादिष्ट होती है। आप ऑन पैसिव के साथ अपनी सफलता को अधिकतम करने में सफल होंगे, और यदि आप नकारात्मक या लालची हैं तो आप सफल नहीं होंगे। अभी तक जो कुछ भी दिया गया है उसका भरपूर आनंद लें। ऑन पैसिव में बहुत सारा मूल्य घूम रहा है। प्रोफेसर सुशान को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि प्रोफेसर सुशान को ऑन पैसिव का हिस्सा बनने के लिए 3 देशों के विभाग से साइन अप लेने पड़े। उनकी समृद्ध विशेषज्ञता का मूल्य ऑन पैसिव के समाधानों के लिए बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने कहा है कि हम इस महीने के अंत से पहले कुछ बहुत बड़ी खबरों की उम्मीद में हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई के मध्य तक हमें एक और लेयर तैयार कर लेनी चाहिए और एक सफल वर्ष की आशा करनी चाहिए। दोस्त, मुझे पता है ऐसे अपडेट्स को सुनकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस अपडेट्स में तो नया बोल के कुछ भी नहीं है। इस तरह के अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट तो हम महीनों नहीं बल्कि सालों से सुनते आ रहे हैं। अब इस तरह के कथा कहानी सुनाते रहने का कुछ भी मतलब नहीं है भाई। अब सालों पहले लाखों लोगों को फाउंडरशिप दिए हैं, उनकी जिंदगी बदलने के लिए, उनके सपनों को पूरे करने के लिए एंड उन्हें आर्थिक आजादी दिलाने के लिए। आप सितंबर से पैकेज परचेजिंग यह कहकर स्टार्ट किए हैं कि पैकेज लेते ही सबको ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाएंगे।
यहाँ पैकेज लिए लगभग 8 महीने हो गए। ट्रैफिक बोनस कमीशन के तो अभी बात ही छोड़िए, इन 8 महीनों में लोगों के विड्रॉल तक नहीं मिल सके। यह बिल्कुल सही बात है कि कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ने जितने पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो कनेक्ट का, उससे कहीं अधिक कमीशन आ गया है उनके वैलेट में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं एंड उनके डायरेक्ट सेल्स भी हुए हैं। बट रियल में देखा जाए तो वह कमीशन भी एक तरह से वैलेट का सिर्फ शोभा बनकर ही रह गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर विड्रॉल मिला ही नहीं है किसी को। ये सभी अपनी पलके बिछाए राह निहार रहे हैं विड्रॉल मिलने का। अब आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा और कैसे होगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। लोगों को तो वही दिखेगा जो कि वर्तमान के परिदृश्य उनकी आंखों के सामने चल रहे होंगे। अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स यहां तक कहने लगे हैं कि जब तक पैकेज परचेजिंग स्टार्ट नहीं हुआ था या फाउंडरशिप बंद नहीं हुआ था, तब तक बड़ी जोरों शोरों से कंपनी के मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट चल रहे थे। महीने में एक दो बार तो लाइव स्ट्रीमिंग शो हो ही जा रहा था बुर्ज खलीफा पे, बट इधर बहुत दिनों से उसका कुछ भी कहीं चर्चा नहीं है। पहले आए दिन लगभग हर महीने हैदराबाद ऑफिस एम्प्लॉय को उनके बेहतर वर्क एंड बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए एसयूवी कार एंड आईफोन गिफ्ट किए जाते थे। आज इन सबका कहीं कुछ चर्चा बोल के नहीं है। क्या बुर्ज खलीफा से मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है? क्या हैदराबाद ऑफिस के एम्प्लॉयज, वहां के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या अब उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी नहीं है ताकि वे और भी अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकें? अब किसी को एसयूवी कार या आईफोन गिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा था, ताकि लोग इन सब चीजों से प्रभावित होकर अधिक से अधिक संख्या में फाउंडरशिप ले सकें, सब्सक्रिप्शन ले सकें? आखिर मिस्टर एस को जब बीते जनवरी मंथ में विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने शुरू नहीं करना था, तो वे किस आधार पे इस बात का अनाउंसमेंट कर दिए कि हम ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 31 जनवरी तक का इंतजार नहीं करेंगे, 16 जनवरी के बाद से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा? अब इससे तो कोई भी यही समझेगा कि इसे कुछ इस तरह से इसलिए प्रमोट किया गया था ताकि बचे खुचे फाउंडिंग मेंबर्स जो कि उस वक्त तक नहीं लिए थे पैकेज, वे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पैकेज बाई कर सकें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। मिस्टर एस द्वारा कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट करने के बाद से जो लोग ये सोचकर पैकेज नहीं ले रहे थे कि पहले सितंबर अक्टूबर में पैकेज लिए लोगों को ट्रैफिक कमीशन आना शुरू हो जाएगा तभी बाई करेंगे पैकेज, वैसे लोग भी कतार में लग गए पैकेज बाई करने के, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस सफलता के दौर में बहुत पीछे रह जाएं। दोस्त, कहा जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर अभी मिस्टर एस बिना कोई देर किए विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने शुरू कर देते हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी भी। वे पहले क्यों हैदराबाद ऑफिस एम्प्लॉय को एसयूवी कार एंड आईफोन गिफ्ट कर रहे थे और आज क्यों नहीं, या पहले लगातार लाइव स्ट्रीमिंग शो क्यों हो रहे थे बुर्ज खलीफा पे बट अभी क्यों नहीं, इन सब बातों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें बस ध्यान देने की जरूरत है अपनी सफलता के शुरू होने पर। वे कब कहां क्या कर रहे हैं इससे हमें जरा भी वाकिफ होने की जरूरत नहीं है। बस वे कैसे भी करके अपने कमिटमेंट के अनुसार हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन देने शुरू कर दें। कल के वेबिनार में मिस्टर एस का ये कहना कि हम इस महीने के लास्ट होने से पहले कुछ बहुत अच्छी खबरों की उम्मीद में है, यह एक तरह से वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अगर इस महीने के लास्ट तक भी विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स मिल जाते हैं या किसी निर्धारित समय सीमा का अनाउंसमेंट हो जाता है इन सब के रिगार्डिंग। फिर एक जगह उन्होंने कहा है कि किसी भी परिस्थितियों या चुनौतियों से घबराकर हमने हार नहीं मानी है, हम निरंतर अपनी सफलता के पथ पे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और हम अगले 10 दिनों के भीतर और मई महीने के मध्य तक एक बहुत बड़ी सफलता शेयर करने जा रहे हैं। दोस्त, इस हिसाब से अगर हम देखें तो मई महीने के फर्स्ट से सेकेंड वीक तक में हम कुछ ऐसी खुशखबरी मिलने की उम्मीद कर सकते हैं जिसका हमें शायद सालों से इंतजार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन के अलावा फाउंडिंग मेंबर्स को अगर कोई भी अपडेट्स मिलता है या अनाउंसमेंट होता है उससे किसी को भी कोई खुशी होगी, क्योंकि आज के डेट में लगभग सभी लोग इन्हीं सब के लिए मिस्टर एस की तरफ आस उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और अपनी पलकें बिछाए सुबह शाम दिन रात अपनी सफलता शुरू होने के राह निहार रहे हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि इन सब बातों को मिस्टर एस नहीं समझ रहे होंगे, वे खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। वे कुछ न कुछ ऐसा बहुत जल्द करना चाहेंगे जिससे कि हर एक फाउंडिंग मेंबर्स खुशी के मारे झूमने लगे और उनके सक्सेस का शुरुआत हो जाए। और अगर लाख प्रयास के बाद भी मई जून तक में भी कुछ शुरू नहीं हो सका, तब इस पे हर किसी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अनाउंसमेंट तो बार बार हो जा रहा है सब कुछ शुरू हो जाने का, बट हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि मई महीने में हम कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने का बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। जीवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।